उज्जैन के बड़नगर शहर में धार्मिक कार्यक्रमों में पहुंच रहे हैं संत और महात्मा। उज्जैन शहर और बड़नगर शहर में इन दोनों बड़ी संख्या में संत महात्मा होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों में पहुंच रहे हैं और शहरवासी इन साधु महात्माओं की अगवानी कर रहे हैं। यहां पर श्रद्धालु और भक्त भी इन धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। महाराज श्री, सादर प्रणाम आपको। वॉइस ऑफ राइट्स न्यूज चैनल पर मध्य प्रदेश वासियों के लिए, सभी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे और बड़नगर का अनुभव, उज्जैन जिले का अनुभव कैसा रहा और क्या है? संपूर्ण मध्य प्रदेश वासियों को केवल एक ही संदेश है, हम जिस देश में रहते हैं उस देश का सम्मान सर्वोपरि सम्मान है, क्योंकि जो है देशभक्ति, मातृभक्ति और गुरु भक्ति, तीनों की जो है जिंदगी में महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। और जब संस्कृति और संस्कारों का सद्भाव जिंदगी में पनपता है तो विसंगतियों से व्यक्ति दूर भागता है। जब जब देश में लोगों ने विसंगतियों का सामना किया है, जब तब जो है आदमी ने नशे आदि का सेवन आदि किया है, तब तक जो है उसकी मन की शांति और सामाजिक शांति दोनों का अभाव हुआ है। और अगर देश और समाज के अंदर स्वर्गमय जिंदगी जीना चाहते हैं तो वह स्वर्गमय जिंदगी जीने के लिए जो है इस जिंदगी को स्वर्गमय बनाने की आवश्यकता है। और जब यह जिंदगी स्वर्गमय बन जाएगी तो अगली जिंदगी भी स्वर्गमय बन जाएगी, क्योंकि यह देश राम कृष्ण बुद्ध महावीर का देश है। और जिस देश में जो है अहिंसा को जो है प्रतिष्ठित किया जाता है, और जिस देश में अहिंसा रूपी गंगा होती है, क्योंकि दो ही गंगाएं इस देश में हैं, एक वह गंगा जो सभी की प्यास बुझाती है और एक वह गंगा कि सभी के अंदर जो है करुणा दया का भाव पैदा करती है, जिसे हमारे तीर्थंकरों ने अहिंसा के नाम से दिया है। क्योंकि कोई भी ऋषि हो, कोई भी मुनि हो, कोई भी संत हो, सभी का कहने का तरीका अलग है लेकिन सभी का लक्ष्य एक ही है, और वह सभी एक ही शब्द पर जोर देते हैं कि प्राणी मात्र के प्रति प्रेम का भाव हो। और जब प्राणी मात्र के प्रति प्रेम का भाव होता है तो घर में भी उल्लास का वातावरण निर्मित होता है। बड़नगर इससे पहले जो है 8 माह पूर्व भी एक बार आना हुआ, उसके पहले जो है मुनि श्री तरुण सागर जी के साथ जो है 2002 में इस बड़नगर पर आना हुआ। बड़नगर के लोग, उज्जैन जिले के लोग जो है बड़े भक्तिवान लोग जो हैं, देव शास्त्र गुरु के प्रति, संतों के प्रति आदर सत्कार में जो है इनकी महत्वपूर्ण भावना रहती है और यही इनकी पहचान है। क्योंकि आदमी धन से पहचाना बाद में जाता है लेकिन भावनाओं से सबसे पहले पहचाना जाता है, और इस क्षेत्र के सभी लोगों की भावनाएं बड़ी शुद्ध और विशुद्ध भावनाएं। प्रतीक सागर जी महाराज। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।